गरम गोभी के परौठे। तो गाइस अभी हम मार्केट पहुंच गए हैं और जो शॉपिंग करनी थी वो भी प्रभ ने कर ली है। ओए होए, शर्म क्यों आ रही है आपको? सो अभी यहाँ पर लिया है गुड़ क्योंकि डुबो को पीना है। सो गाइस अभी करने जा रहे हैं हमारा डिनर। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो नए व्लॉग में। तो अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे जिनकी कॉपी करी है वो भी आ चुके हैं। हेलो गाइस, देख लो उधर। हेलो जप्पू, यहाँ पे चाचू बैठे हैं और यहाँ पे चाचू आया। हेलो गाइस, हेलो, फॉलो करो, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ ही कर दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। सोफे पे कौन लेटता है? मैं सोफे पे लेटना नहीं होता। हाँ हाँ, पापा मम्मी जब हम लेटते हैं तो पापा कैसे कहते हैं, उठ जाओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस आज मैंने स्कूल जाना है, ये मत सोचना आज मैंने दूसरे कपड़ा में व्लॉग स्टार्ट कर लिया, लेकिन मैं स्कूल जाऊंगा। अभी टाइम दिखा दो कितना हो रहा है, 6:30 हो रहे हैं और हम सुबह सुबह जाके चाची को लेके आए हैं, जो कि आप देखोगे चाचू के व्लॉग में, चाची के व्लॉग में, सबके व्लॉग में, बस हमारे व्लॉग में नहीं देख पाओगे। तो ये देखो सुबह से आती क्ले में शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए? क्ले बचपन। सो गाइस अभी मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी और आज मैं लेके जा रहा हूँ पेंट कलर्स, क्योंकि अभी मैं सिलेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कल के व्लॉग में कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ आज कंपटीशन के लिए, इसलिए मैं अप्रन लेके जा रहा हूँ, पेंट कलर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आज पेंट कलर लेके जाऊँगा तो शर्ट पे गिर के ना इतनी मार पड़ेगी किसी ने सोची ना होगी। यहाँ पे देख लो पापा को, इतनी प्यार से कर, क्या कर रहा, इतना टाइम हो गया। चाचू ने बार बार पापा के फोन, अपने फोन की आवाज आपको सुनाई जा रही है। गया हूं, गया हूं, गया हूं। बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? चलो हम ये कह रहे हैं, देख लो सब, मैं चाची को बता दूंगा। चलो जो चलो सब जाते हो नीचे, आज देख लो पहली बारी घटना है, चाचू आए हैं तो बैग भी उठाएंगे, इतना भारी बैग है मेरा। कोई भारी नहीं है, हल्का सा बैग है, हल्का सा बैग है, जिसको उठाना पड़ता उसको मदद। तो अभी आप और मम्मा भी जा रहे हैं, पहले तो प्लानिंग थी सब चाचू जाएंगे, मम्मा भी आ रहे हैं। क्यों क्यों मगर क्यों ऐसे छोड़ के जा रहे हैं कि वापस अभी जल्दी जल्दी ना आए ना, तसल्ली करके छोड़ के आएंगे, वही रुके थे। साढ़े बारह में फिर आऊंगा, तो अब जप्पू को छोड़ के यहाँ पे निकल चुके हैं पैदल सब्जी लेने के लिए, देख रहे हैं कौन से परौंठे बनते हैं, कौन से परौंठे खा रहे हैं, क्या बनाने फिर, क्या फाइनल हुआ? मिक्स परांठा, फिर आप भी खा लोगे ना चांपा। कितने लगे चांपा? अच्छा हो जड़ा लग गया। तो अब यहाँ पे जूस की दुकान दिखी खुली हुई, तो डिसाइड किया जूस पिया जाए सुबह सुबह, तो सुबह सुबह जूस तो पीना बनता है मेरी जान, है ना लिन? सो अभी डुगू जा चुके हैं और उन्होंने ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं, क्योंकि उनके थोड़ा सा स्टमक में कुछ गड़बड़ सी लग रही थी, वो कहते मेरा जी नहीं हो रहा ब्रेकफास्ट करने का। सो अभी वो तो जा चुके हैं, पर मैं ग्रीश ब्रो और प्रभ घर पे ही है, तो हमने तो ब्रेकफास्ट करना है ना, और जप्पू भी सुबह स्कूल जा चुका था तो वो तो पालक पनीर की सब्जी के साथ परांठा ले गया। तो हम अभी यहाँ पे सबकी अलग अलग फरमाइश है, तो इन्हीं से ही पूछ लेते हैं कि इन्होंने क्या ही खाना है। हमारी कोई फरमाइश नहीं है, जो बनाओगे वो खा लेंगे। अभी आ, 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 अभी इन्होंने क्या बोला था, मैंने क्या खाना है आपने पूछा, तो फरमाइश तो डाली गई ना, आपने पूछा क्या खाना है, मैंने बोल दिया। मींस आवा भगत हो रही है, आवा भगत नहीं आओ भगत, जो भी हुंदा है, जो भी हुंदा है। तो यहाँ पे प्रभ के लिए बनेंगे आलू के परांठे और ब्रो के लिए बनेंगे गोभी के परांठे और मेरे लिए दोनों। एक आलू एक गोभी। सो अभी यहाँ पर गोभी रेडी है कद्दूकस करने के लिए, सो गोभी और कद्दूकस और सब कुछ रेडी है, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ गोभी कद्दूकस। गरम गोभी के परौठे।
तो कैसे बने हैं गोभी के परांठे? अभी तो देख ही रहा हूँ। कल मेरे से नमक तेज हो गया था ना हल्का सा आलू में, तो गोभी के कैसे बने हैं? आज तो नहीं है नमक तेज पक्का। ये देखिए यहाँ पे प्रभ खा रही है आलू के परौठे और उधर हरलीन जी लगी हुई है बनाने के लिए, और साथ में इनकी एक सहेली भी आई हुई है, आपने इनको पहले भी ब्लॉग में देखा होगा। क्या हालचाल, ठीक ठाक? बढ़िया। और कैसे बने आलू के परौठे? कल तो इन दोनों ने पता क्या बोला, इन दोनों को पाता ऐसे कर रहे थे, ये नमक बहुत ज्यादा तेज खाती है तभी बीपी बढ़ा ही रहता है इनका। मेरा कोई बीपी नहीं बढ़ा रहता। सो गाइस अभी ना खा लिया है, पर घर का काम मेरा खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ किचन क्लीन कर दी थी मैंने, क्योंकि जप्पू की छुट्टी जो ना वो जल्दी होने लग गई है, तो रिक्शे वाले भैया नीचे खड़े हुए हैं, एक बार उनका फोन आ चुका है, तो फटाफट से नीचे उतर रही हूँ। और ये मैडम जी भी रेडी है यहाँ पे, इन्होंने भी लेने अपने बच्चे, चले चलो सर, बाय बाय। हेलो जप्पू व्लॉग, शादी हो रही तेरी, पागल है क्या? क्या क्यों हिली जा रहा है, क्यों हिली जा रहा भाई? क्या किया स्कूल में? सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया? और कुछ नई ताजी? कुछ नई ताजी मतलब? कुछ नई ताजी क्या हुआ स्कूल में, क्या नहीं? खबर बोलता है, नई ताजी क्या? नई ताजी खबर यह है कि मैं स्कूल में एप्रन लेके गया और उसका कुछ काम भी नहीं आया, मुझे आर्ट के पीरियड में लेके ही नहीं जाया गया है ना। ये देखो चोरियां फ्रिज से, चॉकलेट्स पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं चोरियां होंगी हमारे पीछे से। सो गाइस मैं और प्रभ जा रहे हैं मार्केट, प्रभ की शॉपिंग है तो हम उनके साथ जा रहे हैं, है ना। ओ माय गॉड, चॉकलेट ऑफर की जा रही है। चलो बाय बाय, डोर नॉक कर लो के, डोर नहीं खोलना किसी के लिए भी। तो गाइज अभी हम मार्केट पहुंच गए हैं और जो शॉपिंग करनी थी वो भी प्रभ ने कर ली है। यार आप कितने लिटरली, मतलब इतनी जल्दी शॉपिंग कौन कर लेता है? मैं कर लेती हूँ क्योंकि बॉयज की तो ज्यादा ऑप्शन ही नहीं होती ना, वही यही ऑप्शन है लेना, इसी में से ले लो। तो फिर मैं एक ही बार में देखा और एक ही बार में पसंद आया और एक ही बार में ले भी लिया फटाफट। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं कुछ खाने पीने, फिर उसके बाद घर जाएंगे क्योंकि इन्होंने रेडी होना, उसके बाद निकलना भी है। तो फाइनली अभी हम खा चुके हैं कुछ खाने पीने और हमने पहले तो सीट मिली है, फाइनली अब हमें सीट भी मिल गई है तो हम अंदर बैठ गए हैं। मेन्यू मैंने दिखाना था क्योंकि मेन्यू इतना हाथ के जितना ही सीखा है ना, एक हाथ के जितना ही था, मतलब हाथ से स्टार्ट और हाथ पे खत्म, इतना बड़ा मेन्यू था। तो फाइनली डिसाइड हमने किया है एक मसाला डोसा और स्प्रिंग रोल, दिखा दो चटनी, हमने गलती की, नूडल्स मंगा सकते हैं, ये टेस्टी लगता है, कैंसिल कर देते हैं। सो गाइस अभी हमारा ऑर्डर कैंसिल हुआ, बेइज्जती होगी हमारी। सो हमें स्प्रिंग रोल ही खाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं कल फिर आ जाएंगे। ये तो हमारा डोसा आ गया है, पतिदेव को चिढ़ाने की साजिश हो रही है, मैं फोटो भेजूंगी मैं डोसा करके आई हूँ, मुंह में पानी आएगा। ये देखो अभी हमारा कैंसिल करने वाला ऑर्डर भी आ चुका है, पर हम खा के जाएंगे, खा के तो जाएंगे। और मैं स्टोरी डाल रही हूँ, स्टोरी रिचुअल तो करना ही होता है ना। और क्या गाइस अभी हम निकल चुके हैं वापसी के लिए, और तो वैसे देखे नूडल्स भी खाएंगे और ये भी वो भी, और सिर्फ हमने डोसा ही खाया है और स्प्रिंग रोल हम पैक करा के ले आए हैं। तो अभी जा रहे हैं घर पे, ट्यूशन के स्टूडेंट भी आए हैं। तो क्या ही है, हमने कहा पैक हो जाएगा, कहता लिफाफा दे दो खुद ही कर लो। अब नहीं करते पैक, पहले कर देते थे ना, पर हमने टच भी नहीं किया था, वैसे ही पैक करना था, पर फिर भी नहीं करके देते, तो हमने खुद ही कर लिया। तो फटाफट पहुंचते हैं घर पे क्योंकि ट्यूशन के स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं। हाय हाय, शर्म क्यों आ रही है आपको? कितने प्यारे लग रहे हो, मैचिंग मैचिंग। और आपको ऑरेंज हैंकी तो मिला नहीं? चाहिए नहीं मेरे को हैंकी। फिर कितने बजे आओगे? खट्टे हैं अंगूर, खट्टे हैं
पर हमारे मीठे हैं। पता नहीं आप पहुंचेंगे कितने बजे, आएंगे कितने बजे, कुछ नहीं पता। तो चलो ठीक है, आराम से जाना। ओके बाय। सो गाइस अभी मैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के हो गई थी फ्री, सो मैं आई हूँ अभी अपनी सिस्टर के घर पे। डुगो को एक्चुअली थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब है तो उनको मेडिसिन लेनी थी, तो जिस डॉक्टर से दवाई लेते हैं वो मेरी सिस्टर की गली के बाहर ही है, तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, उनको फ़ोन कर दिया। जब आप आओगे तो मेरे को कॉल कर देना, मैं बाहर आ जाऊँगी। मिली हमारी जसलीन कॉल से, जो कि खा रही है नमकीन, डाइटिंग पे है और डाइट नमकीन बिल्कुल नहीं खा रही है। गाइस मैं तो आपको एक बात ही बताना भूल गई। आज शाम को ना मैं प्रभ और मैं हम दोनों गए थे मार्केट, उन्होंने कुछ लेना था। इस मोटू को मैं घर पे छोड़ के गई कि जब वो ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे एक घंटे में। मैं 2:35 में निकली थी और 3:30 की ट्यूशन थी। 2 बजे थोड़ा गए थे आप, 2 बजे गए थे आप। मुझे अच्छे से याद है हम 2:35 पे गए थे। राजू इसको मैं छोड़ के गई, मैंने कहा जप्पू बच्चे आ जाएंगे तो घर पे डोर खोल दियो। ये हीरो सो गया, बच्चे बैले बजाई जा रहे। मैं 20 मिनट्स लेट आई, उसके बाद मैं आई, मैंने आके देखा बच्चे बाहर गेट पे, और उसके बाद मैंने इसको चिल्ला, पहले तो मैंने फोन किए, इसने फोन नहीं उठाए, फिर मैंने दरवाजे खड़काए तब भी नहीं उठाई, बैल बजाई तो भी नहीं उठा, चीख चीख के बाद मारी जप्पू, तब जाके कहीं जप्पू बाहर आया और दरवाजा इसने खोला। उसके बाद इसको बोला तू सो रहा था, कहता नहीं, फिर मेरे से चाटा खाया, पर मुझे इसकी आंखों से लग रहा था कि ये सो रहा था। फिर ये बाद में कहता मेरे को उस टाइम नींद आ रही, उस टाइम मेरे को आपके सवाल समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो तू इतनी बेहोशी में सोया, तेरे को बैल नहीं सुनाई देती? मैं इतनी बेहोशी में क्या करूं, सुबह 4:30 बजे को उठा था। किसने कहा था तेरे को 4:30 उठ सोया रहता? ये गेस्ट आया उन्होंने तो कीनम की नहीं आप ही खा गए सारी। किसने कहा था आपको जाने को? आप भी रुकते, मैं भी सोता। मेरे को तो डर लगता है, मैं तब जाती हूँ। मेरे को भी तो डर लगता है, मैं भी तो जाती हूँ। तेरे को तो डर लगता है नहीं, तू तो ब्रेव है। ये देखो डुगू बैठे हैं डॉक्टर की दुकान पे, और साथ में जाके जप्पू भी बैठ गया है। डुगू का थोड़ा सा स्टमक सेट नहीं है तो उसके लिए मेडिसिन लेने आए हैं। सो अभी हम रोड पे सिंगाड़े ढूंढ रहे हैं, आज हमारे सिंगाड़े खत्म हो गए हैं तो वही ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाएंगे तो लेके जाएंगे, नहीं मिले तो ऐसे चले जाएंगे। सो अभी यहाँ पर लिया है गुड़, क्योंकि डुगू को पीना है गुड़ वाला दूध। जब तू भी पिएगा गुड़ वाला दूध। सो गाइस अभी घर पर आ चुकी हैं और डुगू का स्टमक जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अभी तो हम घर से ही खाना खा रहे हैं तो भी डिस्टर्ब हो गया है, तो उनके लिए बनाने जा रही हूँ दाल वाले चावल। लाइक जैसे पुलाव बनाते हैं वैसे ही मैं उसके अंदर न्यूट्रीला और चने की दाल डालकर राइस बनाती हूँ, डुगू को काफी पसंद है सो वही मैं बनाने जा रही हूँ। राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट में अनियंस और थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी ग्रीन चिली जो है वो बारीक कट कर ली है, और टमाटोज को भी कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने दाल और न्यूट्रीला को बॉईल कर लिया है। सो अभी यहाँ पर मेरा राइस बनाने के लिए जो मसाला है वो रेडी हो चुका है, तो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ राइस। सिर्फ एक ग्लास राइस बनाने है मैंने, उसके लिए इतना मसाला यूज हुआ है। सो राइस रख दिए है बनने के लिए, कुकर बंद हो चुका है। गाइज अभी करने जा रहे हैं हमारा डिनर, जब पुणे रोटी खानी है, मैंने भी बना ली है, एक एक्स्ट्रा ही बना ली है, खाई जाएगी तो खा लेंगे, नहीं खाई जाएगी तो रख देंगे। राइट जप्पू, राइस भी रेडी है। सो गाइस अभी हमने कर लिया है डिनर और टाइम हो चुका है 11:20, अभी तक चाचू नहीं आए। चाचू आएंगे 12:30 PM या 1 PM, और मैं आपको मिलवाता हूँ सुबह चाचू, मैं आपको सुबह मिलवाता हूँ चाचू से। तो करते रहे स्वीट कैन, तो हमारी आज की वीडियो आज का व्लॉग बहुत शेयर की था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, टेड बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टेड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। टेड बाय बाय।